हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 का शेड्यूल जारी हो चुका है। जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपडेट बताया जा रहा था कि कल अर्थात 7 सितंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसी के अंतर्गत आपके लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग करा करके अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाही ब्रांच आसानी से पा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, काउंसलिंग का शेड्यूल पहले हम डिस्कस करें, उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जिनको आप सभी लोगों को जरूर से जरूर फॉलो करना है, सावधानी पूर्वक फॉलो करना है। मैं प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों को यह अवगत करा चुका हूं कि कभी कभी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है जब हमें काउंसलिंग का प्रॉपर मेथड नहीं पता होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारी रैंक अच्छी नहीं है लेकिन काउंसलिंग कराने का जो प्रॉपर मेथड है, जो प्रॉपर तरीका है, अगर हमें वो पता है और हम प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कराते हैं तो हमें आसानी से कॉलेज मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कैसे कराई जाती है, अगर आप सभी लोगों को ये जानना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख करके जान सकते हैं। बाकी मैं एक नया वीडियो बना करके भी आप सभी लोगों को अपडेट देने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोगों को काउंसलिंग करानी है। तो हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, उस वीडियो को देख करके तब आप सभी लोग अपनी काउंसलिंग को कराइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा काउंसलिंग के शेड्यूल पर हम ध्यान दे देते हैं और उसके बाद इस पीडीएफ को भी मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपनी काउंसलिंग को बेहतर तरीके से करा पाएंगे और जल्द ही आपकी क्लास भी मैं आपके अपने इसी चैनल पर स्टार्ट कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि अब की बार की काउंसलिंग कुल कितने राउंड में होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अब की बार की काउंसलिंग कुल कितने राउंड में होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे कि अब की बार की जो काउंसलिंग है टोटल कितने राउंड में होने वाली है। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल 6th to 8th राउंड, 6 से 8, मतलब 8 राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पर पूरा तरीके से विचार किया जा रहा है। उसके आगे का भी कोई भी शेड्यूल जो है वहाँ पर दिया नहीं गया है। अब यहाँ पर अलग अलग काउंसलिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब यहाँ पर दी गई हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल 1st to 3rd राउंड। ठीक है, अब आप लोग ये भी कहते हैं सर इसमें कितनी रैंक तक, तो सब लोग यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, सीट अलाटमेंट की डेट क्या होगी, फ्लोट और फ्रीज करने का ऑप्शन कब से आएगा, ये सारी डेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को करना है और इसके माध्यम से जिन लोगों को सीट अलाटमेंट हो जाएगा उनकी जो क्लास होगी ये मान के चलिए कि 24 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एडमिटेड सीट विड्रा करने की भी डेट यहाँ पर दी गई है अगर कोई अपनी सीट को विड्रा करना चाहते हैं तो। बाकी ये काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहेगी। काउंसलिंग के शेड्यूल को पूरी तरीका से पढ़ करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यह काउंसलिंग का जो शेड्यूल है इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा काउंसलिंग कैसे कराई जाती है, क्या उसका तरीका होता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक रहेगा, उसको आप सभी लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो सारे वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी काउंसलिंग में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।